नमस्कार दरभंगा, आप सभी का दरभंगा लाइव न्यूज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दरभंगा लाइव न्यूज परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमें इतना प्यार और स्नेह दिया और इस मुकाम पर पहुंचाया कि इस खास मौके पर आपका दरभंगा लाइव न्यूज आपसे यह कहना चाह रहा है कि हमारा पेज 1 लाख फॉलोअर्स से ज्यादा पहुंच चुका है और 76,000 से ज्यादा लाइक्स दरभंगा लाइव न्यूज को मिल चुकी है। दरभंगा लाइव न्यूज की टीम के ओर से यह वादा किया जाता है कि आपको दरभंगा की तमाम छोटी सी बड़ी खबर आपको सबसे पहले दिखाएगी दरभंगा लाइव न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन, आज दरभंगा जिला में कोरोना के 40 नए मरीज की संख्या बढ़ी। बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक। मुख्य सड़क पर धान रोपनी कर जताया विरोध, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग। दरभंगा नगर निगम के द्वारा एचपी पंप से निकाली जा रही है जल जमाव के पानी को। सहवासपुर पंचायत के भलुका गांव में घुसा बाढ़ का पानी। शिवधारा में खुला आधुनिक लैस पैथ लैब। दरभंगा का प्रतिष्ठित प्रिंटिंग प्रेस एमएस ग्राफिक्स, हमारे यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। हमारा पता सुभाष चौक, लालबाग, दरभंगा। कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। अब खबरें विस्तार से। दरभंगा जिला कोरोना अपडेट। दरभंगा जिला में कुल कोरोना मरीज की संख्या 1131, जिसमें से 707 ठीक हो चुके हैं, 10 लोगों की मृत्यु हुई है, 414 एक्टिव केस अभी भी है दरभंगा जिला में। आज दरभंगा जिला में 40 नए कोरोना मरीज की संख्या बढ़ी है। यह सारी जानकारी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। दरभंगा लाइव न्यूज भी आपसे अपील करती है, घर से निकले तो मास्क पहनकर निकले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। समरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर भवन के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ राहत कार्य, बाढ़ निरोधक कार्य एवं पीएफएमएस डाटा सर्वो की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने क्रमश बहादुरपुर, दरभंगा सदर, हनुमान नगर, हायाघाट, केवटी, सिंहवाड़ा, घनश्यामपुर, गौराबाराम, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, बिरौल, बेनीपुर के अंचलाधिकारियों से पीएफएमएस डाटा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशि का भुगतान कर देने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश का स्मरण कराते हुए 2 से 3 दिनों के अंदर डाटा उपलब्ध कराकर मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए। जहां भी पुनः सर्वेक्षण कराने की जरूरत है वहां तुरंत सर्वेक्षण करा दिया जाए, खास करके नए प्रभावित पंचायतों का सर्वे अच्छे तरीके से कराने को निर्देश दिया गया है। गुरुवार को वार्ड संख्या 17 गांधीनगर कटरिया मोहल्ला के लोगों ने जल जमाव की समस्या का विरोध करते हुए मुख्य सड़क पर धान रोपनी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने कहा, जल निकासी के नाम पर नगर निगम के द्वारा नाला बनाकर 28 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। नाला बन जाने के बावजूद भी पिछले 4 महीनों से जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिरकार 28 लाख का नाला निर्माण क्यों किया गया, यह लोगों के समक्ष से परे है। उल्टा एक तरफ पानी को लेकर दूसरी जगह छोड़ दिया जा रहा है। आज नतीजा यह है कि गांधीनगर मोहल्ले के साथ साथ पूरा कटरिया मोहल्ला भी डूब गया है। पिछले अप्रैल माह से पूरे इलाके के मुख्य सड़क और गलियों का यही हाल है। नगर निगम अस्थाई निदान तो नहीं दे सकी, लेकिन सैकड़ों नए घरों में पानी घुसाने का काम किया है। अभी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी सोलेस गेट बंद के होने के कारण कुछ मोहल्लों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके समाधान के लिए नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी दिन लाग लगे हुए हैं। महापौर बैजंती खेड़िया ने बताया है कि जल निकासी के लिए भीगो DMCH वार्ड नंबर 10, 20, 30 एवं 44 में पंप सेट लगाया गया है, जिससे जल निकासी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम ने अपने फंड से 25 HP का, 2 10 HP का एवं 6 एवं 5 HP की 6 पंपिंग सेट खरीदी है, जिसे लगाया जा रहा है। महापौर ने कहा है कि सभी शहर का अनेक वार्ड बाढ़ में डूब जाने से दूसरी ओर बहुत सारे मोहल्ले में जल वर्षा के जलमाव के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है।
आज ओल्ड नार्च मार्केट सिवधारा दरभंगा में मेडिफेड पैथ लैब का उद्घाटन डॉक्टर अनवार शरीफ द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनवार शरीफ ने कहा है कि सिवधारा के लिए यह बड़ी गौरव की बात है कि सिवधारा जैसे चौक पर आधुनिक तकनीकी से लैस पैथ लैब के संस्थापक अखलाक उर रहमान द्वारा संचालित किया जाएगा और यहाँ दूर ग्रामीणों को जाँच कराने में सुविधा मिलेगी तथा जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको 50% तक छूट मिलेगा। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारा www.darbhanganews.in पर जाके लॉगिन करें। धन्यवाद।